आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में करेंगे बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। भारत के खाते में जुड़ी एक और उपलब्धि, 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों का हुआ पूर्ण टीकाकरण। भारत यूएई में व्यापार समझौता, मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी देश के साथ पहला पूर्ण व्यापारिक एग्रीमेंट, बढ़ेगा निर्यात। जम्मू कश्मीर में शोपिया के चेरमार्ग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, महामारी की घातक तीसरी लहर को कम करने में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आ गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। आज भी कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है, जो कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 271 नए मामले सामने आए हैं। उधर 1377 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 4,34,833 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4,15,729 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2076 है। वहीं देहरादून में सबसे अधिक 607 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। मौसम के साथ देने से बनी नमी को देखते हुए उत्तराखंड के जंगलों में अभी आग का खतरा भले ही कम हो, लेकिन आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने को वन विभाग ने कमर कस ली है। उसका दावा है कि अग्नि नियंत्रण के मद्देनजर बचाव एवं प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जंगलों की निगरानी को 174 वॉच टावर स्थापित किए गए हैं, जबकि पहाड़ में दुरूह परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। हरिद्वार के ग्राम शिवदासपुर में बैरोटोक अवैध खनन माफियाओं की तरफ से लगातार खनन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस विभाग की भी घोर लापरवाही सामने आ रही है। सूचना देने के बाद भी कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस ने इन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लगाई है, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल कुमार का कहना है कि इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां थाना पिरान कलियर जनपद में अलग अलग जगह पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 ग्राम स्मैक और 28 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया है। वहीं इस दौरान की गई कार्रवाई में कलियर थाना पुलिस के साथ रुड़की के तहसीलदार और कानून गो भी शामिल है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर अवैध खनन के ओवरलोड ट्रैक्टर को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर पट्टी चौकी प्रभारी दीपक कौशिक ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है, जिससे खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दीपक कौशिक ने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोड किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुवा सूरपुर गांव के ग्रामीणों ने बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन कापड़ी के माध्यम से उपजिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा है। वहीं केमिकल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि निर्माणाधीन केमिकल फैक्ट्री ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। केमिकल फैक्ट्री के मानकों और एनओसी मानकों के अनुरूप नहीं है ये। एचडीएम महोदय का हमने 2-3 बार मुआयना कर दिया, विधायक महोदय का करा दिया, लेकिन एचडीएम महोदय ने ये कहा था जब तक पूरे मानकों का वो नहीं मिलता है तब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ये कभी रात को, कभी सुबह, कभी शाम को ऐसे करके लाके वहाँ माल लाके काम स्टार्ट करने की सोच रहा है। इस आज सुबह भी ने अपने ईट और वो भेजे थे, जिसको हम ग्रामवासियों ने रोका,
और आज हम इसी उसमें एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। ये है कि पिछले कई समय से क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा। तो इसमें पहले भी एडीएम साहब ने मौका मुआयना करने के साथ ही उनमें निर्देश दिए थे कि भैया इसमें जब तक वो नहीं कहेंगे उसमें काम नहीं चालू होगा। वो बीच बीच में जब भी गाँव वालों के वहाँ पर नहीं होते हैं रात में, उस समय पर वो काम स्टार्ट कर देता है। आज सुबह भी उसने वहाँ पर जब एसडीएम साहब के कहने के बावजूद वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें गांव वालों ने काम रुकवाया है। आज फिर हमें ये पूरे गांव वाले यहाँ पर आए हैं, 5 ग्राम सभा के वहाँ पर प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य सब लोग वहाँ पर, और ग्रामीण लोग कोविड का नियमों का पालन करते हुए और आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए वहाँ 5-5, 7-7 लोग हर दिन वहाँ पर। पिरान कलियर में एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं गुलदार के हमले में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हादसे के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं वन विभाग के रेंजर मयंक गर्ग का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला गुलदार ने किया है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय दो लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली है, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि हम वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा कि छोटा गुलदार है या बड़ा है, उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। वो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था, ऑफिस आते हुए तो देखा कि लोगों यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया। तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है और दूसरा कोई मामला है, तो पुलिस और विभाग दोनों उसकी जाँच करें और न्यायिक जाँच होगी। इस जाँच का जो है पता लगेगा कि वास्तविकता हुआ क्या है। एक व्यक्ति का यहाँ पर गुमा वाली माजरी के गाँव के समीप एक बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार के हमला किया हुआ है, परंतु इसके इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता उसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित पीएम होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो प्रथम दृष्टया तो घटना के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी पीएम के लिए दरोगा जी यहाँ पर हैं, एसओ साहब हैं यहाँ पर, तो ये पीएम के लिए जाएगा तभी ये कन्फर्म हो पाएगा कि ये क्या घटना किस कारण से। और ईवीएम में हर चीज कैद है जो 10 मार्च को खुलेगी। चुनावी नतीजों को लेकर देहरादून में प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। लोगों ने अब बदलाव का मन बना लिया है। हम सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आप भी सुनिए प्रीतम सिंह का बयान। ईवीएम में हर चीज कैद है जो 10 मार्च को खुलेगी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दरमियान लोगों का मिजाज था उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई, इसलिए निश्चित रूप से 10 मार्च को भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मैंने ये नहीं कहा कि संभव नहीं, हमने कहा कि हम सभी को देने का प्रयास करेंगे। और देखिये हरीश राव जी ने कहा है, हमारे गौरव वल्लभ जी ने भी कहा है, तो हम सभी को जो है गैस। रुड़की में रोटरी क्लब अपर गेंजर की ओर से 100वां पेशेंट प्रोजेक्ट सहयोग मनाया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बेटियों और पुरुषों का कृत्रिम अंग देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही जिन लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जा चुके हैं उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डीजी रोटेरियन अजय मदान ने कहा कि दिव्यांग लोगों का जीवन परिवर्तन करना और उनकी जीवन शैली को जितना हो सके आगे बढ़ाना ही रोटरी क्लब का उद्देश्य है। एक क्लब इसी साल में हमने नया चालू किया था और लेडी प्रेसिडेंट है हमारी विधि शांडिल्य जी, इनके नेतृत्व में ये क्लब बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये इस प्रोजेक्ट जो सहयोग है इनमें से 10 पेशेंट्स इन्होंने अकेले ही स्पॉन्सर्स किए हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट रुड़की अपर गेंज के नीचे हम बेटियां के नाम से, बेटियां हमारा धन हमारा सम्मान, उनके लिए हमने प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स, उनको जो नीडी गर्ल्स थी उनको साइकिल्स, और सबसे बड़ी बात ये सेल्फ डिफेंस के हमने कैंप्स उसमें लगाए हैं।
इस तरह का प्रोजेक्ट हमने ये किया है। और इसके अलावा ये जो नया क्लब बनाया है, ये इसमें बड़े अच्छे यंग वाइब्रेंट रोटेरियंस हैं एंड दे पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन रोटेरिया। जैसे कि हमने शुरुआत में की थी कि जो सब्जी बेचने वाले उनको रेनकोट्स देने की शुरुआत की थी, एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पूरे कनाल के दोनों ही तरफ यहाँ से लेकर भगवानपुर तक जंगलों में कई जगह बैम्बू का एक प्लांटेशन किया है। 2 मिलियन, जैसे कि सर ने बताया, 2 मिलियन टोटल प्लांटेशन किए हमने। 1.5-2 kg का बैम्बू सीड्स रोटरी क्लब अपर गैंसिस से ही प्लांट, मजबूती बहुत मिलेगी। हमारे जो सलाह देने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे क्लब के मेंबर्स हैं और बहुत स्ट्रेंथ है हमारे मेंबर्स में, तो बहुत अच्छे करेंगे और कोशिश करूंगी मैं कि इस क्लब को आगे बढ़ाया जाए। और सारे उत्तराखंड की हसीन वादियों से हर कोई वाकिफ है। उत्तराखंड में लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। कई अभिनेता भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता अक्षय कुमार भी उत्तराखंड पहुंचे थे, तो वहीं आज डोईवाला के थानों में एक भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे परदेसी की शूटिंग हुई, जिसमें भोजपुरी अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत और तन्नू श्री चटर्जी अभिनेत्री हैं। और अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रदेश है जहां नदियां, झरने, पहाड़ हैं। अभिनेत्री तन्नुश्री चटर्जी ने कहा कि मैं पहले भी उत्तराखंड आ चुकी हूं, उत्तराखंड जैसे हमारे देश में कोई जगह नहीं है। पहली बार मैं ऋषिकेश नहीं आ रही, इससे पहले मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश में। एक फिल्म किया था, डिवोशनल फिल्म था, फिल्म का नाम आदिशक्ति, रजा मुराद जी थे उसमें, मैंने उनके साथ काम किया था। फिल्म था 2009 या 10 में किया था। ये दूसरी बार है, देवभूमि है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही पवित्र स्थान में आए हैं और दिल से दुआ है कि जिस फिल्म को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, ये फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट है। मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और आज हम लोग अपनी फिल्म भोजपुरी गंगा किनारे परदेसी का शूट करने के लिए आए हैं। और पवित्र स्थल देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड है, देवों की नगरी है, और हम यहाँ पे आके हमें इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लग रहा है और आशीर्वाद प्यार दुलार जो मिला है, तो इसके लिए पूरे एकदम देवभूमि उत्तराखंड को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग आज शूटिंग कर रहे हैं, हमारी को आर्टिस्ट हैं तनुश्री जी, काफ़ी इन्होंने फिल्में किया है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।